छपार मेले के दौरान अकाली दल की सियासी कॉन्फ्रेंस में एसएसपी मनजीत सिंह देसी का मुद्दा पूरी तरह गरमाया रहा, क्योंकि यह मामला अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल से जुड़ा था। पूरी अकाली लीडरशिप विक्रमजीत मजीठिया, महेश इंद्र सिंह गरेवाल और सुखबीर बादल ने भी डीसी को इस कॉन्फ्रेंस में पूरी तरह से घेरा और सुखबीर बादल ने कहा जब सत्ता उनके हाथ में आएगी तो मनजीत सिंह देसी का स्वागत लड्डू और जलेबी से किया जाएगा। जे तो पता छावी है, जे आप कहते अंब भी है, अक्सर चंगे भी ने ते माड़े भी बड़े ने। एक केस रजिस्टर किया साडे हलका इंचार्ज गिदड़वाहा ते कि ये बूथ कैप्चरिंग करता सी। अकाली दल कोल तकरीबन 700-800 वीडियो ने जिथे कांग्रसियां ने, ते साडे कोल वीडियो है जिथे मुकतसर दे एसएसपी ढेसी ने पुलिस की मदद नाल बूथ कैप्चर किए। मैं अज तुहाडी हाजरी च एक गल कहनी देन चाहुंना, श्रोमणी अकाली दल कदे कानून की उलंघना नहीं करता, कदे कानून नू भंग नहीं करता, पर एक गल तुहाडे सामने अज कहना, प्रधान साहब की आग्या नाल सरकार अपनी बननी है ते डीजीपी पंजाब तो मंग करते हैं कि डीजीपी साहब मनजीत सिंह ढेसी ते उहदे नाल कुछ चहेते पुलिस अफसर ने जिन्होंने मुकतसर विच बूथ कैप्चरिंग करके अकाली दल नूं हराउण की कोशिश की है, उन्हां ते बूथ कैप्चरिंग ते झूठे परचे दर्ज करन दा परचा करो। नहीं श्रोमणी अकाली दल कानून दे दायरे विच रहिंदे आ, उन्हां नूं आउण वाले समें विच पक्का घेरूगा। लोकतंत्र हार गया ते डंडा तंत्र जित गया। ते मैनूं अज पता लग्गिया सुखबीर जी, कांग्रसिया ने फैसला ही कर लिया कि हुण जिले प्रधानां दी लोड नहीं रवेणी, उन्होंने सारे एसएसपीआं नूं आपदा जिला प्रधान ला देना, क्योंकि जिते तो एसएसपी है जिन्होंने गलत काम किया। अज जिवें थोड़े वाला की ना उहदा अपना की ना दस्सिया सी जी, वह थोड़ा भारा जिहा गुगल जिहा गोलू जिहा बोलू जिहा ढेसी, मैनू कई पुलिस वाले जिहड़े सियाने वीर आ उन्हां दा फोन आया, तुसीं वेखो वह पुलिस वाले का भी, वैसे तो बाल साहब रब सुख रखे उहदी इनकुआयरी चलो, जिहड़ा उन्हें डेमोक्रेसी का लोकतंत्र का घाल किया बूथ कैप्चरिंग उन्हें आप कराई है। हले तो मैं कहना नहीं चाहता, तुसीं वीडियो बना लैंदे हो, मगर समा आ लैण दे, इन्ना प्यार देवांगे उन्हूं, इन्ना प्यार देवांगे मित्रा, उन तो सवाया नहीं जाना उस प्यो दे पुत कोलों। मगर जिन्हां नूं जिहड़ी भाषा समझ आवे ना, फिर माड़ी जी लिस्ट भी हुण बना लिओ। सुखबीर जी ने तां लाल डायरी लाई आ, तुसीं भी पीली नीली डायरी इक ला लिओ, मैं तुहानूं दस्सां जदों साडे अरगे नूं उदों याद करा दिया करो, इन्हां नूं इह जिहा प्यार देवांगे, इह जिहा प्यार देवांगे कि मुड़ के इह जिहे अफसर कदे लोकतंत्र दा घाण करन दी कोशिश नहीं करनगे। आ जिहड़ा इलैक्शन होया इहदे बारे जिक्र कीता कि किवें पहली बार हिंदुस्तान दी इतिहास विच, पंजाब दे इतिहास विच किवें लोकतंत्र दा घाण कीता है सरकार ने। तुसी हैरान रह जाओगे, पहली बार कदे सुनिया नहीं होना कि एसएसपी आप बूथ कैप्चरिंग करे। मैं उस दिन पिंड सी, बादल साहब भी मेरे नाल सी, 9:30 बजे साडे वर्करां ने कहा कि एसएसपी नाल ढेसी है, जो ना ढेसी एसएसपी नाल अपने पुलिस लैके कांग्रेस के गुंडे लैके आप बूथ कब्जा कर रहे। बादल साहब ने उधर डीजीपी नूं गल कीती, आईजी नूं गल कीती, 10 बार गल कीती, वो कहिंदे जी साथो हुण असीं कुछ कर नहीं सकते। देखो डीजीपी दर कहिंदे कर नहीं सकते, फिर मैं बादल साहब नूं कहा, मैं कहा जी आपां ही चलदे हां। फिर मैं ते देखो 93 साल दी उम्र है सा प्रकाश सिंह बादल दी, गड्डी च बैठे कहिंदे अपने वर्करां ते एसएसपी आप बूथ कैप्चरिंग करके
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਥੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ SSP ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਪਾਇਲਟ ਸਾਡੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਿਆ। SSP ਸਾਹਿਬ ਐਂ ਨਾ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ SSP ਹੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ 200-302 ਲੱਗਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਫਸਰ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚਮਚੀ ਮਾਰ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਐਂ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਚ ਕੇ ਭੱਜੋਗੇ। ਜੈ ਜਾ ਗੁਨਾਹ SSP ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ SSP ਨੇ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਹੋਣੀ, ਜਿਹਨੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ SSP ਨੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਕਰਾਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਪੁਲ ਅਫਸਰ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਲੱਗ ਜਾਏ ਅਤੇ ਐਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਗੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਕੱਲੇ ਚਮਚੀ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ OSD ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ SSP ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ 2 ਸਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲੇਬੀਆਂ ਲੱਡੂ ਮਿਲਣਗੇ, ਫਿਰ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਔਨ ਸਾਰ SSP ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜਿਆ।